तो एज यू कैन सी हमने दोनों तरफ की ईगल आई का स्टिकर इंस्टॉल कर दिया है, तो आगे से जो बाइक हमारी काफी अग्रेसिव लग रही है। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों यामा R15 V3 की ईगल आई हेडलाइट्स स्टिकर्स की। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रोडक्ट हमने लिया है PGX ऑटो एसेसरीज से। तो अगर आप दोस्तों ये प्रोडक्ट बाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर PGX को फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, आप जाके इनको यहाँ पर DM कर सकते हैं या क्वेरी कर सकते हैं। सो चलिए अब यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ईगल आईज मिलने वाली है। काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस के अंदर ये आपको प्रोवाइड होने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये एवरी बाइक के लिए आते हैं दोस्तों, काफ़ी सारी बाइक्स हैं, आप यहाँ पर नीचे क्वेरी कर सकते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने कुछ इस तरीके का ये कलर ऑप्शंस बाई किया है। तो यहाँ पर जो दोस्तों जो ये स्टिकर है ये एक ट्रांसपेरेंट स्टिकर है। तो यहाँ पर जो ये होल्स हैं दोस्तों, यहाँ पर ये होल्स क्रिएट हैं। आप ऐसा मत समझिएगा कि दोस्तों यहाँ पर एक कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे आपकी लाइट को, ऐसा नहीं है। बट हाँ, आपकी लाइट को थोड़ा डिमिनिश करेंगे, वो आपकी प्रायोरिटी है। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का ये स्टिकर्स है। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रोडक्ट मैंने जस्ट इसलिए बाय किया है ताकि मैं वीडियो के अंदर आपको दिखा सकूँ। मैं पर्सनली दोस्तों अगर बताऊँ तो मैं इसको नहीं रखने वाला हूँ, वो आपकी चॉइस है कि आप अपनी बाइक पर रखिए या फिर इसको मत रखिए। एक चीज़ और मैं बता दूँ दोस्तों, इसका मैं गिव अवे करने वाला हूँ। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे ही दोस्तों हमारे वीडियोज़ पे 5000 व्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे मैं इसका गिव अवे कर दूंगा। उसके लिए जस्ट आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको ये क्यों चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरीके के हमारे प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशंस भी दिखाने वाला हूँ। प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो इसकी प्राइस है 250 से 350 के अप्रोक्स इसकी प्राइस होने वाली है। प्राइस थोड़ी स्लाइटली वेरिएट कर सकती है। वीडियो दोस्तों आज ही आप देख रहे हैं, आगे अगर आप ये वीडियो 5 मंथ्स लेटर देखते हैं तो ये प्राइस डेफिनेटली नहीं होने वाला है। तो आप उस चीज़ के लिए मुझे मत बोलिएगा कि जो प्राइस था सेम आज ये प्राइस क्यों नहीं है। तो अब चलिए मैं अपनी बाइक के पास चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या इसकी इंस्टॉलेशंस होने वाली है, कैसा क्या इसका लुक आने वाला है। आइए, तो ये हमारी R15 V3। तो चलिए यहाँ पर मैं ईगल आई आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड के दोनों तरफ की हमारी ईगल आई है। तो यहाँ पर जो इंस्टॉल होगी वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल होने वाली है। सो चलिए यहाँ पर मैं इनको फिक्स करवा देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर इसका लुक दिखाता हूँ। सो चलिए यहाँ पर मैं पहले लाइट को क्लीन कर लेता हूँ। तो पहले आप यहाँ पर डर्ट को साफ कर लीजिएगा, ये तो बेसिक सी चीज़ें आपको पता होगी दोस्तों, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जितना अच्छे से आप इसको क्लीन करेंगे यहाँ पर जो स्टिकर की ग्रिप है वो उतनी अच्छी आएगी। तो हम यहाँ पर दोनों ही तरफ की आईज को यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। सो अब हम यहाँ पर ईगल आई को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर ये दोस्तों हमारा राइट साइड का है, तो चलिए अब इसको इंस्टॉल करवाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का इसका लुक है। तो यहाँ पर आपको एज देख लेनी है दोस्तों कि यहाँ पर जो एज है वो कहाँ पर आ रही है। सो ये देखिए यहाँ पर हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से फिक्स हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एज टू एज यहाँ पर ये फिक्स हुआ है। तो आगे की तरफ से बिल्कुल दोस्तों जो इसके प्यूपिल है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस के अंदर आते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं एक बार आपको इसकी झलक दिखला देता हूँ कि लाइट कैसे लगेगी। यहाँ पर जो ये दोस्तों जो यहाँ पर स्टिकर है यहाँ पर ये एज ए ग्रिल की तरह है, तो यहाँ पर जो लाइट है वो फिल्टर होकर आएगी, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइट को ब्लॉक कर देगा। अब आपकी प्रायोरिटी है कि आप इसको रखना चाहते हैं या नहीं। तो चलिए यहाँ पर मैं बाइक को ऑन करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाइट होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर बाइक को ऑन करता हूँ। सो यहाँ पर दोस्तों राइट साइड का हमारा जो ईगल आई स्टिकर है वो यहाँ पर माउंट हो चुका है। तो आप दोनों तरफ से डिफरेंस देख सकते हैं, आपके लिए यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर जो इसका लुक है वो कैसा आने वाला है। अभी यहाँ पर डे का टाइम है, हो सका तो मैं आपको यहाँ पर नाइट शॉट भी दिखा दूंगा जिसके अंदर आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कैसा लुक देने वाला है ये हमारी बाइक पे। तो यहाँ पर अभी कम्प्लीटली हाई बीम पे ऑन है। तो चलिए यहाँ पर मैं दूसरी तरफ का भी जो डिकैल है उसको इंस्टॉल करवा देता हूँ। सो एज यू कैन सी हमने दोनों तरफ की ईगल आई का स्टिकर इंस्टॉल कर दिया है। तो आगे से जो बाइक हमारी काफ़ी अग्रेसिव लग रही है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों कि यहाँ पर जो हमारी जो बाइक का लुक है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। अब आपकी पर्सनल प्रेफरेंस रहेगी कि आपको ये अच्छा लगता है या नहीं। आप इस चीज़ को जज मत करिएगा कि आपने कैसा लुक किया अपनी बाइक को, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है दोस्तों। सो नाइट का टाइम हो चुका है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके की ईगल आई लुक करने वाली है नाइट टाइम पे। तो चलिए मैं यहाँ पर दोस्तों अपनी बाइक की लाइट ऑन करता हूँ, फिर मैं आपको इसका लुक दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी दोस्तों इसकी सिर्फ लो बीम ऑन है, हाई बीम इसकी ऑन नहीं है, उसके लिए मुझे बाइक को स्टार्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ। सो ये देखिए सामने की तरफ आप स्टेप्स पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लाइट थ्रो करी है। अभी लो बीम पे है, ये हाई बीम पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना इसका लाइट का थ्रो आ रहा है। तो यहाँ पर लाइट पे तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है जेन्युइनली मैं आपको बताऊं, बट अब आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको ये रखना है या फिर नहीं। सो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ईगल आई को अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल करना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई एज यूजल डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम डेफिनेटली वहाँ जाके आपको रिप्लाई करेंगे। सो मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसे ही अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशन के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।